इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी 2020 मैच हो चुका है समाप्त। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है इस मैच को 12 रनों से। इसके साथ ही भारत ने ये सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 186 रन्स 5 विकेट्स पर। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टॉप स्कोरर रहे मैथ्यू वेड, जिन्होंने बनाए 80 रन्स। मैक्सवेल ने बनाए 54 रन्स। इंडिया की ओर से गेंदबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर ने लिए 2 विकेट्स, जबकि टी नटराजन और साधु ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। इंडिया ने बाद में बैटिंग करते हुए बनाए 174 रन्स 7 विकेट्स पर। विराट कोहली इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहे 85 रन्स। किसी और बल्लेबाज ने 50 नहीं बनाया भारत की तरफ से। मिचेल स्वाइपसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया है, जबकि हार्दिक पांड्या को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत 17 दिसंबर से हो रही है, तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं टेस्ट श्रृंखला का क्या नतीजा निकलता है।